क्या मूड है आपकी बार कुरुक्षेत्र का? आपकी बार सुशील गुप्ता जी हैं हमारे। वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो आयुष्मान कार्ड होगा जितना भी है जो धरातल तर पर सारी आई हुई हैं गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं आई हुई हैं उसके हिसाब से हमारा प्रत्याशी नवीन जिंदल एक तरफा जीत में। ये सारे भ्रष्ट है, सबक भ्रष्ट कठोरे नवीन जिंदल पर आरोप ला रखा था, सारी कोयला खा गया, गड्डी खा गया पूरी, ये वो साफ हो गया, वो भ्रष्ट बुला लिया उसमें जाओ वो धोए जाओ। इसके फादर भी कहते थे जितना हमारा हरियाणा सरकार का बजट है इतना तो मेरे पास अकेला है, लोगों को झूठे वादे करके बने। हमारे एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट ना नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे गर्व से बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? तन्नो सही करे मोदी, किसी ने देखा उसी अंदर गए थे, यू को तरीका भैया। हम तो किसाना के साथ हैं, किसान जहाँ भी फैसला करेगा वहीं जाएंगे। और किसान किसके साथ हैं ये कोई पता नहीं अब तक कहाँ जाएंगे। जो वादा करे कोई पूरा करे, सुना दे दी नौकरी हम जवानों को, पा दिए 15 लाख रुपये। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। अभी मैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर हूँ, दिल ढलने लगा है और यहाँ की जो सुंदरता है वो छटा जो कहते हैं वो दिखने शुरू हो गई है। लाइटिंग की आप पीछे सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रही है, तो खूब अच्छा माहौल है। और ऐसे माहौल में हम लोगों से जानने आए हैं उनके मन की बात कि अब की बार कुरुक्षेत्र में चुनाव कौन जीत रहा है। सर नमस्कार, पूछ रहा हूँ लोगों से क्या मूड है अब की बार कुरुक्षेत्र का? अब की बार सुशील गुप्ता जी हैं हमारे। वो मैं अच्छा, उन बड़ा कारण क्या लगता है गुप्ता जी का? है कारण तो कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस और उसका गठजोड़ है, इसलिए दोनों पार्टी का एक है। अच्छा, बीजेपी का कोई इतना नहीं है क्योंकि ना कोई रोजगार दिया इस पार्टी ने, महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। जिंदल साहब का कुछ असर नहीं रहेगा? नहीं, पहले कैंडिडेट रहे हैं, सांसद रहे हैं, पहले सांसद रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को बकावे में आके लोगों ने दे दी वोट। जितना इसके फादर भी कहते थे जितना हमारा हरियाणा सरकार का बजट है इतना तो मेरे पास अकेला है, लोगों को झूठे वादे करके बने, कोई फैक्ट्री लगाई कुछ नहीं किया इन लोगों ने, कि नहीं यहाँ से बन के हिसार चले गए बस, किसी ने नहीं पूछा यहाँ पब्लिक का क्या हाल होया। क्या नाम आपका? सुभाष बब्बर है मेरा नाम। तो बब्बर साहब थोड़ा सा ये तो था कि भी जो महाजन हैं उनका था, क्या मान के चले पंजाबियों का भी कुछ ऐसा ही है? नहीं पे ऐसी तो कोई बात नहीं है, पंजाबियों का तो कोई ऐसी बात नहीं है ये तो। तो कुल मिलाकर के ये माने गुप्ता जी एज में हैं अभी? हाँ गुप्ता जी हैं, इन गुप्ता जी हैं, जैसे नवीन जिंदल इनकी मुकाबला रहेगा दोनों का। आपस नैलो है कहीं? नहीं नैलो का कहीं। ठीक है, कुछ और लोगों से पूछते हैं। बब्बर साहब कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो यहाँ इंडिया गठबंधन का लगा मामला। देखो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ जो आयुष्मान कार्ड होगा जितना भी है जो धरातल तर पर सारी आई हुई हैं गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं आई हुई हैं उसके हिसाब से हमारा प्रत्याशी नवीन जिंदल एक तरफा जीत में है। मैं इनकी बात से सहमत हो जाऊँगा, इनसे ये पूछ लो कि इनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? हमारे एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट ना नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे गर्व से बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? मतलब आप लोग सिर्फ हमारे पास चेहरा है वोट देने उस फेस के नाम पे मांग रहे हैं? हमारे पास चेहरा है वोट देने के लिए कि हमें भारत का विकास करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर भारत बब्बर साहब इसका है कुछ जवाब? ये हर जगह यही बात बोलते हैं बीजेपी वाले। नहीं ऐसा है, आप जाके म्यूनसिपल कमेटी में जाके देखो क्या हाल है, कोई भी जाता है प्रॉपर्टी टैक्स है जी ये हमारा ठीक कर दो, कमरा नंबर 13 में चले जाओ, 13 में जाएंगे 25 में चले जाओ, अभी आपका ठीक करते हैं 5 में चले जाओ, ये काम कर कटवाते हैं दो जी, फलाना कर दो जी, नीचे नीचे जाओ ऑब्जेक्शन लगवाने 100 रुपया दे दो जी, बाद में रिपोर्ट आ गई जी रिजेक्ट होगी फिर दोबारा दे दो जी, ये काम। पहली बात तो ये आगे ये लोकसभा से विधानसभा, विधानसभा से नगर परिषद पे आगे, नगर परिषद पहली बात। देखो नहीं ये एक बात तो इनकी भी जायज है, पब्लिक तो नीचे से लेके ऊपर तक। सर NDC लेने का प्रोसेस होता है, 4-5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कि अभी अगर आप मतलब NDC लेने गए हो आप फाइल तैयार करवाओगे, फाइल के बाद उसकी मार्केशन होगी, फिर उसके बाद ऑनलाइन मैपिंग होगी, फिर उसके बाद पर्ची कटेगी, कमरे से 13 से 14, 14 से 16 में तो जाना पड़ेगा, ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस है और सारा ऑनलाइन ही होता है। अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो ये क्यों दे रहे हैं? मेरे पास NDC पड़ी है मेरी अपनी, अब मैं गया उस दिन मखा जी ये NDC का टाइम निकल गया, मैंने रजिस्ट्री करवानी है, तो कहते जी ये तो आपका मकान ही नहीं है तो किसी और के नाम चढ़ा हुआ है।
एनडीसी मेरे पास पड़ी है अभी, अधिकारी भारी है। हाँ सब, आपको क्या लगता है, पूछ रहे हैं हम, अब की बार कुरुक्षेत्र का मूड क्या लगता है? देखो जी, जैसे मतलब चेहरा नवीन जिंदल जी आ रहे हैं तो उनके सामने कोई लंबा चौड़ा चेहरा तो नज़र आ नहीं रहा, तो उम्मीद तो फिर नवीन जिंदल जी की बनती है। ममता जी हैं टक्कर में? नहीं जी। कौन है टक्कर में? नवीन जिंदल जी अकेले ही हैं। आप खुद के टक्कर में थोड़ी होंगे, सामने इनेलो को आप भारी मानते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, किसको मानते हैं? बीजेपी को। एक बैंड लगा के खड़े हो गए। ना बीजेपी को ही, बीजेपी। चलिए, और है ही नहीं टक्कर में, कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरा आप बताओ ना, आपको लगता है दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है? लग तो ऐसा रहा है भाई साहब, बाकी कुदरत के आगे कुछ भी नहीं पता, कुदरत कुछ भी कर सकती है। चलिए जी, कुछ और लोगों से भी पूछते हैं भाई। ओवरऑल तो देखा जाए जी, सेंटर में तो आप मोदी को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल देखा जा रहा है तो मोदी को ही लगता है कि मोदी ही बनेगा आगे, तो मोदी बनेगा। हाँ जी, कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको मोदी की? मोदी ने जी जो मतलब सेंटर और इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर काम किए ना, तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे काम किए हैं जो मतलब ऑनेस्टली जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल जो अपने देशों के साथ संबंध थे ना, वो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। क्योंकि अगर पहले के जैसे चलता रहता ना, कि जैसे पहले हालात थे अपने, तो ना आने वाले टाइम में ना अपने देश पर जो मतलब जो अपने देश को खतरा है ना, चाइना वगैरह ऐसे देश हैं, यूएसए वगैरह, जब अब हालात बहुत सुधर गए हैं। लेकिन अगर पहले जैसे चलता रहा, चाइना पे आरोप लग, चाइना ने तो कह रहे हैं जमीन कब्जा ली वहाँ पे, वो वांगड़ू साहब बैठे हैं उस पर, आप देखो जी धरने पे बैठे हैं, कह रहे हैं सारी ज़मीन कब्जा कर ली। वो तो देखो, मैंने उसके बारे में इतना खास पता नहीं है, लेकिन जैसे मतलब जो ये चाइना मतलब अपने को जिस हिसाब से काउंटर कर रहा था ना, ये ईस्टर्न स्टेट्स में और मतलब साउथ में, ये श्रीलंका के थ्रू काउंटर करने लग रहा था अपने को, उस मामले में आप कह सकें कि अपना बहुत फ़र्क पड़ गया उस पर। क्योंकि श्रीलंका के साथ अपने अगर मतलब हालात अच्छे रहेंगे तो आप कह सकें कि अपना देश सुरक्षित होगा हिसाब में। और मतलब और देखा जाए तो आर्मी को ना पहले इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने आप से कुछ निर्णय ले सकें, क्योंकि जो पहले आर्मी निर्णय लेती थी वो टोटली के टोटली सरकार पर डिपेंड होता था। और मतलब जो पीओके में आर्मी की कंडीशन थी ना, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ में पत्थर। अग्निवीर का क्या मानते हैं आप? कह रहे हैं 4 साल की नौकरी है बस। ये है जी, बात ऐसी है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि बच्चों का फ्यूचर एक हिसाब में देखा जाए, क्योंकि बीच में लटके रह जाएंगे बच्चे, तो बना के फिर फ्यूचर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा करियर बच्चे तैयारी भी कैसे करने करेंगे। और अगर फ़ायदे देखे जाएंगे, क्योंकि जो अपना इससे ना, जो इन्होंने जिस हिसाब से इस योजना लेके आए थे, जिस मकसद से, ये कि ये अपने सेंटर जो अपना डिफेंस बजट है ना, इसको इसमें कम करके पेंशन के, क्योंकि अपना जो 54% बजट था ना डिफेंस बजट, वो पेंशन और सैलरी में चला जाता था। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, जो बजट मतलब इससे कम करेंगे ना, वो अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब वेपन्स वगैरह खरीद देंगे। तो कह सकते हैं कि उस चीज़ के फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। और फायदा ज़्यादा लग गया कि नुकसान ज़्यादा लग गया? ये मान लो 60-40 मान लो। एक युवा के तौर पे आपको, अगर आप आर्मी में जाएं और अग्निवीर लग जाएं, उस हिसाब से फ़ायदा नुकसान है? 60-40 क्या, 60% नुकसान है, 40% अपना फ़ायदा बोल दूंगा मैं। चलो ठीक है जी, ये कह रहे हैं नफ़ा नुकसान दोनों हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे और बातचीत करते हैं। अजय सिंह साहब नमस्कार। सब पता कर रहे हैं हम लोगों से आज कि लोकसभा चुनाव का क्या मूड है लोगों का। इंडिया बनेगा। अच्छा, एकदम से एक, हाँ तन सही करे मोदी, जिसने देखो उसने अंदर गिर दे, यो को तरीका यह सिद्ध करके दिखावा भी कमी है, इसमें कमी कुछ नहीं। झूठ बोला, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए ना आज तक, हम 70 साल की एज है मेरी, जितने भी आए ना आज तक सबसे झूठा है ये पीएम है। हाँ जी, क्या झूठ बोल दिया? सच्ची के बोल दिया सुन, जो बताओ जो वादा करे कोई पूरा करे ऐसा ना, दे दी नौकरी हम जवानों को, पा दिए 15 लाख रुपये, ये बताओ। ये सारे भ्रष्ट है, समक भ्रष्ट कठोरे, नवीन जिंदल पर आरोप ला रखा था, सारी कोयला खा गया, गड्डी खा गया पूरी, ये वो साफ हो गया, वो भ्रष्ट बुला लिया, उसमें जाओ वो धोए जाओ, कौन सा साफ हो गया? तो इंडिया क्या लगता सिंह साहब? भैया हम तो किसाना के साथ हैं। अच्छा,
किसान जहाँ भी फैसला करेगा वहीं जाएंगे। और किसान किसके साथ हैं? ये कोई पता नहीं अब तक कहाँ जाएंगे। अच्छा। किसानों के साथ हैं। आपका आपका मन क्या क्या है? मेरा मन तो किसानों के साथ है, जो भी है कुछ। बताओ, आप बताओ। नो फार्मर नो फूड, नो किसान के साथ। जीतते कौन है? इनका यार आम आदमी पार्टी को करेंगे। अच्छा। केजरीवाल को। केजरीवाल। हाँ, ये तो तगड़ी बात है। जेलम रोक रखा है, वो जुलम कर रखा है। एक आदमी आम आदमी के जो उसको एक सीएम को अंदर कर दिया। आम आदमी क्या वैल्यू है? जो संजय एमपी था उसके उसके खिलाफ एक पैसा भी निकला, छह महीने कैद में रहा। उसका हर्जाना सरकार ने देना चाहिए। इस पर एक रुपया भी निकला, उसको छोड़ दिया छः महीने के बाद। उसके परिवार को जो दुख पहुँचा है, उसको उसका कौन जिम्मेवार है? मोदी जिम्मेवार है उसका। पर वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार करके, तो उसके अंदर कुछ कराया नहीं, उसका कुछ नहीं कराया, एक रुपया भी नहीं निकला उसके पास। सच तो सच्चा, झूठ से झूठ है। धक्का हो रहा है। आप बताइए, आप जो काला धन, तो दूसरे देशों में काला धन पड़ा था, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आने, दो एक रुपये भी आया, किसान की आमदनी दोगुनी होनी 2022 तक। वहीं के वहीं है किसान, जिसमें किसानों की बुरी हालत आज भी है। चलो, तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, युवा नौकरी मिलती नहीं। सुशील गुप्ता की बात बन जाएगी? सुशील गुप्ता की बात बन जाओगी? बिल्कुल ओके। ओके रिपोर्ट। हाँ, ये दिन तो 10 साल पहले रहा, यहाँ पर कुछ नहीं कराया इसने, ना इसके बाप ने कराया। भरे पड़े हैं लोग। ये तो डरता रहा है ये तो। अच्छा। बीजेपी में ये उड्डा के साथ था, यहाँ नहा करते दोनों जने उड्डा भी रहे जी। फिर आज ये इधर आ गए, इसको फिर आए तेरे को जड़ में रोकेंगे, इसलिए आ गया इधर दाब में। हाँ, चलो इसका तो इलाज जनता करेगी। भरे खड़े हैं भाई लोग। एक सीएम को अंदर करना कोई वो नहीं, चाहे उसने को ना भी कर रखा है। जब लोगों ने बना रहा उनका क्या कुछ, जो लोगों ने सत्ता सौंपी उसको। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है सरकार, जो आज है अपना अध्यादेश लिया गया उसके सारे रू खत्म कर दिया, कर रखी उसके बराबर कर दिया उसको। तो भाई, ये कुरुक्षेत्र के लोग थे जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, वो मुड़ गए हैं। मुड़ तो बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ कुरुक्षेत्र से सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।